हाय एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग। सो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं, मेरी ड्यूटी और मेरी पूरी फैमिली भी बहुत अच्छी है। सो फ्रेंड्स, अभी मेरी नाइट ड्यूटी चल रही है। इस पूरे महीने मेरे को नाइट ड्यूटी करना है और अभी सुबह के 8:30 बज रहे हैं और मैं ड्यूटी करके आ चुकी हूँ। तो रात में सोने को तो मिला नहीं है, इसलिए बहुत अभी नींद आ रही है। इससे पहले, अब हम तो औरतें हैं भाई, अगर नींद आ भी रही है, नाइट करके भी आए हैं, फिर भी नाश्ता बनाना है, घर का काम करना है, बिटिया का कुछ नाश्ता वगैरह बनाना है, उसको खिलाना है, नहलाना है, धुलाना है, तब जाके कहीं दोपहर में सोने को मिलेगा। सो फ्रेंड्स, बने रहिए मेरे साथ मेरी इस वीडियो में और देखिए कि आगे मैं क्या क्या करती हूँ, मतलब कैसे सब कुछ मैनेज करती हूँ। अभी तो ड्यूटी से आई हूँ, बहुत ज़्यादा थकान हो रही है। सो अभी मुझे नहाना है, नहाने के बाद ही कुछ करूँगी। सो बस बने रहिए आप लोग मेरे साथ मेरे इस वीडियो में। अब तक के लिए मेरी बिटिया अभी सो रही है, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। तो जब तक ये मैडम सोती है, उससे पहले मुझे बहुत सारे काम निपटा लेने होंगे, क्योंकि इनके जगने के बाद मैं कोई काम नहीं कर पाऊँगी। और सेकेंड थिंग कि जब ये जग जाएंगी तो मुझे भी जगना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं अभी दोपहर में सोती भी है या नहीं सोती, या पूरा दिन जगा के रखती है मेरे को। तो समझिए कि जब नाइट ड्यूटी चलती है तो वेट लॉस हो जाता है, 2 से 3 किलो वेट लॉस होता है, क्योंकि आप सही से ना रात में सो पाते हैं ना दिन में सो पाते हैं, खाने का शेड्यूल, सोने का शेड्यूल सब कुछ चेंज हो जाता है, इस वजह से वेट लॉस हो जाता है। और चूँकि जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, एकदम ढेर सारा तेल लगाई हूँ मैं बाल में, तो यही है कि जब डे ड्यूटी रहती है तो उतना तेल लगा के नहीं रखो, अदरवाइज दूसरी सिस्टर पूछने लगती है, सिस्टर आप मतलब मरीजों का इलाज करते करते आप खुद मरीज हो गई है क्या, बीमार है क्या आप? सो दिन में तो तेल लगाते नहीं हम लोग, लेकिन रात में मेरा ये है कि मैं पूरे 30 दिन नाइट में खूब अच्छे से बाल में ऑयल लगा के ही जाती हूँ, क्योंकि इससे थोड़ा सही भी रहता है, सर दर्द वगैरह सब कुछ सही रहता है। वैसे भी डे में लगा नहीं पाते, हर 2-2 महीने बाद नाइट आ जाती है हम लोगों की। सो बहुत डिफ़िकल्ट है सब कुछ मैनेज करना, फिर भी करते हैं, यही तो ज़िंदगी है, जिए जाओ। सो फ्रेंड्स, आज मैंने डिसाइड किया है कि आज मैं ये साड़ी पहनूंगी फ्रेश होने के बाद। सो फ्रेंड्स, बस बने रहिए आप लोग इस वीडियो में और देखिए कतई हरियाली दिखने वाली हूँ मैं, हरियाली और गुलाबी, वाह। बस बने रहिए और देखते रहिए मेरा वीडियो। सो फ्रेंड्स, अब नहा लिए हैं, अभी सुबह के 9 बज रहे हैं और मैं नहा चुकी हूँ। अब मैं नाश्ता करने जाऊँगी, बिटिया अभी भी सो रही है जैसे कि आप लोग देख रहे हैं। सो आज मैंने टास्क लिया है कि आज पूरे दिन मैं साड़ी पहनूँगी। सो देखिए ये मेरी साड़ी, मैंने ऐसी, ये मेरी फाइनल लुक है। तो फ्रेंड्स बताइएगा कि क्या आप लोगों को भी डिफ़िकल्टी होती है? मुझे तो बहुत डिफ़िकल्टी होती है साड़ी में सारा काम मैनेज करना, बट सोच रही हूँ कि आज यही टास्क करके देखते हैं। सो अभी तो सही लग रहा, हल्की साड़ी है और ये मैंने लिया है बनारस अदलपुरा से, और वहाँ पे क्या है कि बहुत मतलब गुदौलिया मार्केट वगैरह है बनारस का, तो वहाँ पे 100 रुपये 150 की साड़ियाँ भी मिलती है और ये साड़ी सिर्फ 100 रुपये की है। और देख रहे हैं मेरी बिटिया उठ के आ चुकी है, मेरी बिटिया जग गई। गुड मॉर्निंग बेटा जी, गुड मॉर्निंग, नमस्ते करिए सबको, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। मम्मा किसी दे दीजिए, मम्मा को किसी दे दीजिए, मम्मा किसी दे दे आपको, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग शोना। हाँ, अब मैं और मेरी बिटिया चलते हैं नाश्ता बनाते हैं। सो फ्रेंड्स, अभी मैंने फ्रिज में देखा है तो करेला पड़ा हुआ है, अब करेले की सब्जी और रोटी बनाऊंगी मैं अपने लिए, और बिटिया के लिए कुछ छोटा मोटा स्नैक्स बना देते हैं। अभी सुबह सुबह मॉर्निंग टाइम में ये बहुत अच्छे से नहीं खाती है, बहुत अच्छे से फीड नहीं करती है, लेकिन फिर भी नो, गंदी बात, बिटिया का तबीयत ख़राब चल रहा है, सो सर्दी जुकाम हो रखा है, मेरा सही हुआ, फिर इसके इसको लगा, फिर इसके पापा को भी अभी सर्दी जुकाम की दिक्कत है। सो बस बने रहिए मेरे साथ मेरे इस वीडियो में और अब जा रही हूँ किचन में नाश्ता बनाने, उसके बाद आप लोगों से फिर मिलते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी सुबह के 10 बज चुके हैं और मैंने बनाया है करेले की सब्जी और रोटी, अब मैं जा रही हूँ नाश्ता करने बिटिया के लिए। अभी मैंने अंडा बॉईल करने के लिए रखा है, मतलब रखने वाली हूँ, अभी रखा नहीं है।
सो मैं नाश्ता करूँगी, अंडा बॉईल होगा, उसके बाद बिटिया खाएगी। वैसे ये खाती नहीं है, पता नहीं क्यों ये पसंद ही नहीं करती खाना, मतलब या तो खाएगी ही नहीं या तो ब्रश कर रही है। अभी मेरी बिटिया ब्रश कर दीजिए, सोना दिखा दीजिए तो कैसे ब्रश करते हैं। हाँ देखिए मेरी बेटा ब्रश कर रही है, अभी ब्रश कर लेगी, उसके बाद उसका मुंह धुला देंगे। हाँ ब्रश अच्छे से कर लीजिए, अच्छे से ब्रश कर लेगी, उसके बाद उसका मुंह धुला देंगे। इसके बाद हम नाश्ता करने बैठेंगे और इनके लिए अंडा बॉईल करने के लिए रख देंगे। और फिर सोना, और फिर क्या करेंगे बेटा? बेटा अभी पूजा भी करना है बेटा को, बेटा को नहलाएंगे 11 बजे के लगभग। तो 11 बजे जब नहला देंगे और दाल चावल खिला देंगे तो ये सोएगी लगभग 1:30 बजे तक। उस टाइम मैं भी थोड़ा सा रेस्ट ले लूँगी। सो फ्रेंड्स अभी मैं नाश्ता कर लूँ, फिर मिलते हैं आप लोगों से आगे के ब्लॉग में। बस बने रहिए आप लोग इस तरह और देखिए कि मैं पूरे दिन भर क्या क्या करती हूँ और कैसे कर पाती हूँ, ठीक है? सो बस बने रहिए आप लोग, आप लोगों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है, ऐसे आगे भी मुझे सपोर्ट करते रहिए और देखते रहिए मेरे वीडियोस। तो अभी सुबह के बज चुके हैं 10:30 और मैंने नाश्ता कर लिया है, अब टाइम है बिटिया के नाश्ता करने का। वैसे इन्होंने फीड किया है मेरा, मैंने इनको फीड कराया है, बट कुछ अनाज तो देना ही है क्योंकि ये 1.5 साल की हो चुकी है मेरी बिटिया, इस 15 तारीख को ये 1.5 साल की हो जाएंगी। और अभी ये नाश्ते में अंडा खाएंगी, वो भी खाती नहीं है यार, बड़ा वो करके खिलाना पड़ता है। अब इसका वैसे ही सांस टंगा हुआ है कि अंडा खाना है उसको, और देख रही है तब से मुँह बनाए हुए। अब देखते हैं खाती है कि नहीं, पहले तो नहीं खाती थी, पहले क्या, अभी 10 दिन पहले इसको खिलाया था मैंने, खाई नहीं। बिंदी लेना है बेटा को, ले लीजिए, दीजिए लगा दे बेटा को, लगा दे बिंदी लगा दे, तब अंडा खाएगी ना। देखिए दिख रहा प्याज के साथ खाएगी अंडा। कैसा लग रहा है यम्मी? कैसा लग रहा आमी? आमी लग रहा आमी। इसको फिनिश करिए छोड़ना, उसके बाद आपको दूध देते हैं ना। अभी नहीं, 10-15 मिनट बाद दूध दे देंगे, फिर बेटा खेलेगी। अभी पता है अभी मैंने घर में झाड़ू भी नहीं लगाया है, ड्यूटी से आई हूँ, नहाई हूँ, फिर नाश्ता बनाई हूँ, नाश्ता कर लिया मैंने, अब बिटिया को करवा दिया नाश्ता, अब फिर झाड़ू पोछा घर में लगाऊंगी, सुबह का बर्तन है वो धुलूंगी, फिर इनके इसके बाद इनको नहलाऊंगी, मालिश करूंगी और फिर खाना खिलाऊंगी, फिर सुलाऊंगी। अभी दोपहर का खाने में मुझे दाल चावल बनाना पड़ेगा क्योंकि ये दाल चावल खाती हैं, इसलिए मुझे भी दोपहर में वही बनाना पड़ता है अक्सर। ना 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 ना, देखिए तो खा पाती है, खाई पोतना नहीं बेटा, गंदी बात। दीजिए मम्मा को हाथ में दे दीजिए, मम्मा खिलाएगी बेटा को। मेरी गुड गर्ल बिटिया है, मेरी बहुत गुड गर्ल बिटिया है, मेरी क्यूटी पाई बिटिया है। प्याज और दे ना, प्याज के साथ खाएगी, मेरी गुड गर्ल बिटिया है। बहुत डिफिकल्टी तो बहुत होती है, सबसे ज़्यादा पता है क्या फील होता है जब नाइट ड्यूटी लगती है तो। देखिए येलो खाना नहीं चाहती है, पहले तो वाइट भी नहीं खाना चाहती थी, अब खाती है। तो सबसे ज़्यादा ये फील होता है कि इसको छोड़ के रूम पे और मुझे जाना पड़ता है ड्यूटी के लिए, नाइट ड्यूटी के लिए। मेरी बिटिया यही एक चीज़ बस मेरे को हमेशा वो लगता है कि यार ड्यूटी ऐसी चीज़ है ना कि आप मतलब बच्चे को भी, आप 1.5 साल की हो गई है, खैर साल भर तक तो कैसे भी मैनेज किया, छुट्टी ले लेंगे, फिर ड्यूटी कर करके फिर छुट्टी लिया, फिर ड्यूटी किया, ऐसे ऐसे करके मैनेज किया, बट अब सारी छुट्टियां ख़त्म हो चुकी हैं और बची ही छुट्टियां, लेकिन छोड़ के रखा है, कभी काम आ सकता है। तो अभी 1.5 साल की हो चुकी है मैडम, और वही बात है कि देखो बच्चे को छोड़ के नाइट ड्यूटी करना पड़ता है, यही ये बस यही चीज़ थोड़ी सी वो लगती है, बाकी तो सब ठीक है। और खैर जो ड्यूटी वगैरह कर रहे हैं किसके लिए रहे हैं, मीडिया के लिए ही। प्यार मोहब्बत रिश्ते नाते सब जरूरी है,
उसके साइड में पैसा भी बहुत ज़रूरी है अगर लाइफ स्पेंड करना है अच्छे से तो, क्योंकि आजकल देखिए बच्चों को पढ़ाने में ही इतनी फीस लग रही, मतलब इतनी 4,000-5,000 महीने की फीस जा रहा है बच्चों का, अब मिडिल क्लास फैमिली कहाँ से करेगी। तो इस वजह से सब कुछ मैनेज करना पड़ता है। और जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया है कि मैं स्टाफ नर्स हूँ, नर्सिंग ऑफिसर, तो कितना मतलब कैसे मैनेज होता है वो हम लोग जानते हैं, मेरे हस्बैंड और हम दोनों लोग मैनेज करके चलते हैं सब कुछ। ये है कि वो मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं, हर चीज़ों में मेरा सपोर्ट करते हैं। फिनिश कर दीजिए शो ना, थोड़ा सा और बचा। फिनिश। येल्लो वाला नहीं खाना मांग रही है ये, बस वाइट वाला खिला रहे। बेटा को प्याज खिला देते हैं, प्याज खिला देते हैं शोना को। पहले तो मतलब ये है और हाँ प्याज हाथ में अभी हम दे खिला रहे प्याज हाथ में चाहिए खा जाइए। नहीं पहले उसको फिनिश करिए ना, पहले उसको फिनिश करिए, फिनिश कर दीजिए ना। और चलिए ओ जल्दी जल्दी फिनिश करिए। हाँ जल्दी में फिनिश करिए। पहले फिनिश कर दीजिए, फिनिश कर दीजिए। ये तो प्याज खाली प्याज खाते रहिए उसको खाते रहिए बेटा जी। सोना बोलिए मामा जी, पापा जी, दादा जी, दादी जी, दादी जी, चाचा जी, जी। सोना मछली जल की रानी आपको आता है? मछली जल की मछली जल की जी, बट मम्मा हाथ में दे दीजिए, मम्मा के हाथ में दे दीजिए, आपको खिला रहे। सो फ्रेंड्स बहुत डिफिकल्टी होती है, ऐसे तो अच्छा लगता है, ये लाइफ भी मुझे बहुत अच्छी लगती है, मदर बन के एक अलग ही फीलिंग आती है। सो ये है कि थोड़ा सा डिफिकल्ट तो है बट सब मैनेज हो जाता है। जब आप एक माँ बन जाते हैं तो आपको लगता है कि आप सब कुछ कर सकते हैं, वैसा मुझे गंदा छी ऐसे गंदी बिटिया करते हैं, गंदी जो गंदे बच्चे होते हैं ना वो ऐसे करते हैं शोना, वो ऐसे करते हैं गंदे बच्चे जो होते हैं, गंदे बच्चे हाँ पूरा ऐसे फैला खाते गंदे बच्चे। चलिए बाय बाय बोल दीजिए, तो अब आप खाना खा लीजिए। बाय बाय, फ्लाइंग किस दे दीजिए, फ्लाइंग किस। बाय बाय। सो फ्रेंड्स बने रहिए, अभी मुझे झाड़ू पोछा सब कुछ करना है, कपड़े धुलने हैं, उसके बाद फिर मिलते हैं आप लोगों से। अभी मुझे शॉर्ट्स वीडियोस भी बनाने हैं क्योंकि लॉन्ग तो चल ही रहा है, अब शॉर्ट्स भी थोड़ा कुछ शूट करना है। क्या लगा लिए शोना? अब देखिए मेरा पूरा क्रीम ये लेके मैं उधर किचन में दाल चढ़ाने वाली थी, और ये पूरा क्रीम लेके पूरा हाथ में, और देख रहे पैर दिखाइए, पैर दिखाए शोना, पैर दिखाई, तो पूरे पैर में और पूरा जमीन पे सब जगह लगा के एकदम रख दिए। पोत लीजिए चेहरे पे, पोत लीजिए। मम्मा लगाती है क्रीम, मम्मा लगाती है, देख के लगाया क्रीम। फ्रेंड्स बच्चे बहुत ज़्यादा ही नुकसान करते हैं सारी चीज़ों को, देखिए कितना खुश होगी वो अपने आप को देख के शीशे में, बहुत खुश होती है। तो फ्रेंड्स बच्चे हैं, बच्चे नुकसान तो करेंगे ही, लेकिन क्या किया जाए बच्चों का, अब इनको मार भी नहीं सकती, बहुत छोटी हैं, कुछ बोल भी नहीं सकते हैं इनको। सो हंसी भी आती है, गुस्सा भी आता है क्योंकि चीज़ें नुकसान करती है, बट क्या कर सकते हैं, अभी बहुत छोटी है। चलिए अच्छे से पोत लीजिए, सब ये सब गिराए है ना, सब अच्छे से पोत लीजिए। चलिए चलिए अब भी देखते रहिए क्या क्या और बदमाशियाँ करती हैं, इनकी बदमाशियाँ ख़त्म ही नहीं होती, पूरे दिन भर इनको संभालो तब कोई आप एक कम मतलब आप एक कम कंसंट्रेट होकर नहीं कर सकते, ये तो है। चलिए फ्रेंड्स बस बने रहिए मेरे साथ मेरे इस वीडियो में।
बज रहे हैं 11 और अब मैं जा रही हूँ दाल चढ़ा देती हूँ और अभी दूध भी आ चुका है तो दूध भी बॉयल होने के लिए रख दूँगी और पहले दाल चढ़ा दे रही हूँ तो बॉयल होने के लिए रख दूँगी उसके बाद मैं घर में झाड़ू पोछा लगाऊँगी। और अभी दीदी अगर जैसे कि आप लोगों ने देखा है क्या कारनामा कर रही है पूरा फैल अभी पूरा जो क्रीम है जो चेहरे पर लगाया जाता है वो हाथ पैर जमीन हर जगह लगा रही है। अब बच्चे हैं तो थोड़ा तो बचपना करेंगे ही तो मैं तो ये मैंने कई जगह देखा है कि अगर बच्चे गलती करें तो काफ़ी को हाथ वाथ उठा देते हैं बच्चों को हाथ ही साथ करते हैं तो ऐसा ना करें क्योंकि वो तो बच्चे हैं उन्हें पता नहीं क्या सही है क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। सो मैं तो नहीं इस पर कभी हाथ उठाना चाहती हूँ ना उठाती भी हूँ क्योंकि अभी ये बहुत छोटी है इसको क्या समझाया जाए और क्या ही बोला जाए। कुछ खेलती है तो अपने भी देख के अच्छा लगता है और वही अगर ना खेले आराम चुपचाप बैठ जाती है जब बीमार होती है तब ऐसा लगता है कि अरे यार क्यों नहीं बदमाशी करती है। तो बस यही है कि अगर बच्चे गलती करे तो अभी छोड़ देना चाहिए क्योंकि बहुत छोटी है जब बच्चे धीरे धीरे बड़े होंगे तब उनको समझाने की कोशिश की जाए। और अभी देखिए पता नहीं अभी ये बड़ी होती है तो मैं उसको समझा पाती हूँ या नहीं। फिलहाल अभी के वीडियो में बने रहिए आप लोग मेरे साथ। थक गए लिपस्टिक। तो फ्रेंड्स बहुत थक चुके हैं अभी वीडियो शूट कर रही थी मैं ऐसे ही शॉर्ट्स वीडियो बना रही थी तो सुबह से साड़ी पहन रखा है और ठीक ही है मीडियम में हूँ। जो लेडीज लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया है प्लीज़ कमेंट करके बताया कि उन्हें कैसा लगता है मतलब साड़ी में कोई तो प्रॉब्लम होती होगी काम वाम करने में झाड़ू पोछा बर्तन किसी में तो किसी को प्रॉब्लम होती हो। मुझे साड़ी पहन के सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हुई है कपड़ा धुलने में क्योंकि गीला हो जा रहा था बार बार और बाकी सब तो ठीक रहा मीडियम एक्सपीरियंस। इसके पहले भी मैं बहुत बार साड़ियाँ पहन चुकी हूँ लेकिन पहन के ऐसे दिन भर काम नहीं किया कहीं जाना रहता है तभी पहनती हूँ तो अच्छा रहा एक्सपीरियंस। और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो मेरे डेली ब्लॉग से तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरे वीडियो के सारे नोटिफिकेशन आप तक आते रहे। तो अब तक के लिए बस इतना ही बाय बाय शोना बाय 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 फ्लाइंग किस बाय बाय।